जिन्होंने मुल्क को लूटा था, आज वो ऊपर बैठ के सबसे पहली चीज कर रहे हैं, अपने केस खत्म कर रहे हैं। चार साल में आपने जो मईशत का बुरा हाल किया और उसकी जिम्मेदारी आप चार हफ्ते में आई हुई हुकूमत पर डाल रहे हैं। आपने मुल्क को डिफॉल्ट के धाने पे लाकर खड़ा कर दिया। ये कौन सा बंगाल का नवाब है जिसके साथ मीर जाफर और मीर सादिक हो गया? ये सिर्फ झूठ और झूठ का बनौता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम है समय स्पेशल और मैं हूं आपका मेज़बान सैयद फवाद ज़ैदी। नाज़रीन, नून लीग की क़यादत लंदन में मौजूद है और अहम फ़ैसले कर रही है। नून लीग को समझ आ गई है कि बदतरीन मौशी हालात पर जल्द काबू करना मुश्किल है। इसका सारा मलबा अगले इलेक्शन में उन पर आएगा जिसका फ़ायदा इमरान खान और आसिफ अली जरदारी दोनों को हो सकता है। महंगाई के मारे आवाम की चीखने की भी अब हिम्मत नहीं रही है। ईद के बाद महंगाई मज़ीद बढ़ गई है। बुनियादी अशियाए ज़रूरिया की हर चीज़ ही महंगी हो चुकी है। महंगाई की शरह 15.85% तक जा पहुँची है। अमरीकी करेंसी डबल सेंचुरी के करीब है। डॉलर मजीद 1.23 रुपये महंगा होकर 193 की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच चुका है। मुख्तदर हलकों को अब यह सोचना होगा कि कैसे सियासी जमातों को एक दूसरे के साथ बिठाएं और मुल्की मफाद में फैसले करें, चूंकि एक दूसरे के साथ बैठने के लिए कोई तैयार ही नहीं है। यह सारी सूरत हाल खान साहब के लिए विन विन पोजीशन है। एक तरफ उनका बयानिया मकबूल हो रहा है तो दूसरी तरफ मईशत संभलने का नाम ही नहीं ले रही है। इस सूरत हाल में इमरान खान साहब ये भी कह रहे हैं कि न्यूट्रल्स को मैंने पहले ही खबरदार किया था कि अगर साजिश कामयाब हुई तो हमारी मईशत डूब जाएगी। अब यही सब कुछ हो चुका है। इम्पोर्टेड हुकूमत मौशी पॉलिसी और इकदामात करने में नाकाम रही है, ये कह रहे हैं इमरान खान साहब, जबकि शेख रशीद साहब ने पेशगोई कर दी है कि डॉलर तो 200 पे जा रहा है, 200 रुपए का होने जा रहा है। इलेक्शन ना कराए तो खुदा ना खासा श्रीलंका जैसी सूरत हाल का सामना करना पड़ सकता है। खाकम बदहन, फिर किसी के हाथ में कुछ नहीं आएगा और झाड़ू फिर जाएगी। क्या और इलेक्शन कराने से मुल्की मईशत बेहतर हो सकती है? ये बहुत बड़ा सवाल है। मुल्की मौशी सूरत हाल पर तफसील से बात करेंगे, जबकि कराची में गुज़िश्ता रोज़ धमाका भी हुआ था जिससे एक राहगीर जाँ बहक और 13 अफराद ज़ख्मी भी हुए थे। कराची में हालात क्यों ख़राब हो रहे हैं इसके ऊपर भी हम कोशिश करेंगे कि तफसील से बात की जाए। PTI से खुर्रम शेर जमान साहब हैं, मुस्लिम लीग नून से बैरिस्टर दानियाल चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं, लेकिन इन दोनों के पास जाने से पहले एक बहुत ज़बरदस्त इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट तैयार की है समा के इन्वेस्टिगेशन यूनिट के हेड जाहिद गश्कोरी साहब ने, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। उनकी ये फाइंडिंग्स हैं कि 2017 में PTI के जो कैबिनेट अराकीन थे, तकरीबन 47 रुकनी काबीना थी इमरान खान साहब की, उनके असासों की मालियत हुकूमत में आने से पहले 10 अरब थी। जब हुकूमत से ये लोग गए हैं तो उनके असासों की मालियत 17 अरब रुपये हो चुकी है, यानी तकरीबन इसमें 70% इजाफा हुआ है। चार वुज़रा ऐसे हैं जिनकी दौलत में बेपनाह इजाफा हुआ है और उनको इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने नोटिसेज भी जारी किए हैं। 12 मेंबरान ऐसे हैं जिनके पहले असासे थे तकरीबन 2 अरब 15 करोड़, लेकिन अब इनके असासों की मालियत तकरीबन 5.5 अरब रुपए से ज़ायद हो गई है। तो जाहिद गश्कोरी साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। जाहिद गश्कोरी साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सर, एक तो पहले मुझे ये बताएं, कुछ लोग इल्ज़ामात भी लगाते हैं ना कि रिपोर्टें तैयार हो जाती हैं फौरी तौर पर, 24 घंटे में रिपोर्ट तैयार हो जाती है। आप मुझे बताएं कि कितने अरसे से आप इसके ऊपर काम कर रहे थे, कितने अरसे में आपने ये रिपोर्ट मुरतब की और क्या फाइंडिंग्स हैं आपकी? देखें, एक तो बहुत शुक्रिया। ये तकरीबन मैंने जनवरी 2021 में इस पर तहकीकात शुरू की थी कि जो इमरान अच्छा। खान की कैबिनेट है, 47 मिनिस्टर थे, उनके असासे, ये स्क्रूटनी जो बेसिक फोकस पॉइंट था वो 2017 से था अच्छा। और इनकी हुकूमत 2018 में आई, लेकिन आपको याद होगा कि सब लोगों ने जब वो इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर रहे थे सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में, 2017 माली साल के अपने असासों की तफसीलात इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के साथ जमा करवाई थी। तो हमने ये इन्वेस्टिगेशन 2017 से इन मिनिस्टर से शुरू की, क्योंकि 2017, 2018 और 2019 तीन साल का ये इनका कंपैरेटिव स्टडी है और जो इनके असासे नए बने हैं या पुराने शामिल थे, और अभी एक साल के असासों की तफसीलात इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में आ चुकी हैं, वो पब्लिक होनी है। तो ये फोकस पॉइंट इन वज़रा पर इन चार साल का था। जिस तरह आपने बताया कि मजमूई तौर पर जो मिनिस्टर इनके 10 अरब 20 करोड़ रुपए ओन करते थे, उनकी जो अपनी बताई हुई कीमत थी, जबकि मार्केट वैल्यू इससे कहीं ज़्यादा थी अच्छा। वो बढ़ के मजमूई तौर पर 17 अरब
से ज़्यादा हो गई है, और फिर जो सबसे गैर मामूली इजाफा है वो 12 चोटी के उस वक्त के वज़ीर आज़म के वही मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि हमारे देखने वालों को ये बताइएगा जाहिद गशकोरी साहब कि जो इमरान खान साहब से इंतहाई करीब रहते थे वो वुज़रा भी इनमें शामिल है, मिसाल के तौर पे शेख रशीद साहब, शाह महमूद कुरैशी साहब, फैसल वावड़ा साहब, ये सब तो इमरान खान साहब के बहुत करीब हैं, ये लोग भी इनमें शामिल हैं? ये लोग ना सिर्फ इसमें शामिल हैं, मैं अपनी तहकीकात आप से शेयर करता चलूँ कि मैं जब तहकीकात शुरू कर रहा था तो हमें तो मालूम ही नहीं था कि इनके असासे बड़े हैं और इनको इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जो कॉन्फिडेंशियल विंग है वो नोटिसेस जारी कर चुकी है असासों के बारे में, और जब हम डिग आउट करते गए वो तफसीलात हमारे पास आती गईं और ख़ुद इन वज़रा ने ये बात तस्लीम की है। और गैर मामूली इजाफे इसलिए हैं जिस तरह डिटेल्स आप पहले शेयर कर चुके हैं, मैं इंडिविजुअल्स की आपसे शेयर करता चलूँ। जिस तरह से रिएक्शन या फीडबैक आया है कल से हमारी स्टोरी पर, आपने देखा होगा कि अभी तक 24 घंटे गुजरने के बावजूद, इस वक्त बल्कि 29 घंटे हो चुके हैं, किसी ने हमारी स्टोरी के फैक्ट डिस्प्यूट नहीं किए इन वज़रा ने, और ना ही किसी इदारे की तरफ से ये बात सामने आई है कि उनको नोटिस जारी किया गया हो या उनसे पूछा गया हो कि ये गैर मामूली इजाफा है, कैसे असासे बड़े हैं। लेकिन जाहिद गशकोरी साहब, यहाँ पे सवाल तो ये है ना कि इमरान खान साहब भी ये कहते हैं कि जैसे फरा गोगी के हवाले से उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये वजाहत दी, उन्होंने कहा जी वो तो प्रॉपर्टी का काम करती हैं, 3 साल में तो प्रॉपर्टी की कीमतें आसमानों पर पहुँच गई हैं, अगर किसी ने अपनी कोई प्रॉपर्टी बेची है और उससे फिर उसकी इन असासों में इजाफा हुआ है तो वो तो जिस तरह खान साहब भी कह रहे हैं तो वो तो जायज़ है, क्या इन वुज़रा ने भी ऐसा ही किया या फिर कोई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नज़र आया आपको? नहीं, देखें 4 वज़रा तो ऐसे हैं जिनका अपना बिज़नेस है, उन्होंने ये बात तस्लीम की है कि उनके बिज़नेस में काफ़ी बेहतरी आई है। इन सबको सवालात भेजे गए थे, इनको कई महीनों का टाइम दिया गया है। 4 वज़रा ने ये भी तस्लीम किया है कि उनको इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के नोटिस आए हैं। 2 वज़रा ने ये बात हमें बताई है राइटिंग में कि उनके बिज़नेस जो हैं वो शेयर थे, उनमें प्रॉफिट आया है, कुछ ने कंपनीज लॉन्च की हैं। तो ये बज़ाहिर लगता है कि ये कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, क्योंकि जब वो कैबिनेट मेंबर्स हैं, पब्लिक ऑफिस होल्ड करते हैं और साथ उनका पैरेलल एक बिजनेस चल रहा है, और फिर इजाफा अगर तो गैर मामूली है, यानी कि किसी के 308% है, किसी का 282% है, किसी का 203% है, और जिस तरह 17 अरब रुपये 47 मिनिस्टर के असासे सामने आए हैं, 70% उसमें मैं अगर बताता जाऊं आपको, 5 मेंबर ऐसे हैं जिनके 13 अरब रुपए असासे हैं। ठीक, तो ये गैर मामूली बात है। इदारे इस पे क्या एक्शन कर सकते हैं, फेडरल ठीक है, इदारे क्या एक्शन कर सकते हैं, एक बहुत बड़ा सवाल है। जाहिद गशकोरी साहब, मुझे एक ब्रेक लेनी है और फिर ब्रेक के बाद दोबारा हाथ। प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद, जाहिद गशकोरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। जाहिद साहब, बड़ी चश्मकुशा रिपोर्ट है, अभी मैं आपकी रिपोर्ट भी देख रहा था। मुझे ये बताएं, एक सवाल ये पैदा होता है, आपने इन्वेस्टिगेशन की, रिपोर्ट मुरतब की, क्या कोई ऐसा वज़ीर भी आपको इसमें नज़र आया जिसने बैरून मुल्क जायदाद खरीदी हो इस अरसे में? जी, मैं तो सारे लोगों की इन्वेस्टिगेशन करके बैठा हूँ, मैं और इन्फॉर्मेशन आपको देता रहूँगा, इससे भी बड़ी इन्फॉर्मेशन मेरे पास। अच्छा, सासू की तफसीलात भी हैं, सारी हैं। अगर एक आप वजीर का पूछ रहे हैं तो उस वक्त डॉक्टर फहमीदा मिर्जा थी जो कैबिनेट का हिस्सा थी, आज थोड़ी देर पहले वो मुझसे नाराज भी हो रही थी कि आपने मेरा पॉइंट ऑफ व्यू तफसील से नहीं दिया। देखिए, उन्होंने बाहर एक जायदाद खरीदी, लंदन में एक यूके में घर खरीदा है और वो उन्होंने डिक्लेयर किया हुआ है, लेकिन उन्होंने ये बताया है कि पाकिस्तान से उन्होंने अपनी प्रॉपर्टी बेची, ज़मीनें बेची और वहाँ पर प्रॉपर्टी खरीदी है। उसके असासे भी 157% बड़े हैं उनके हस्बैंड के साथ मिला के, और जो सोर्स ऑफ इनकम उसने यही बताया है, और जो पैसे कैसे गए हैं पाकिस्तान भेजे हैं उन्होंने बताया कि ये FBR के साथ डिक्लेयर्ड है। तो इसी तरह से कई और वज़रा भी हैं जिनके असासे बाहर हैं, और फिर अगर मैं रेशियो बताता जाऊं ये टैक्स कितना देते हैं, क्योंकि इस पर बड़ी डिबेट हो रही है गुज़श्ता 29 घंटे से कि
आप टैक्स कंपैरेटिव आपने नहीं बताया, मैं आपको सारी इंफॉर्मेशन इनकी दूंगा अगली स्टोरीज में कि कौन कितना टैक्स देता है। जिस तरह मैं एक खबर आपको देता जाता हूं, आपके प्रोग्राम में एक नई खबर देता जाता हूं। अच्छा, जिस तरह जो स्पीकर नेशनल असेंबली थे उस वक्त असद कैसर, उसके बारे में मैं आपको बताता चलूँ कि उनके असासों में 21% इजाफा हुआ है, जो कि पहले सिर्फ 6 करोड़ थे 2014 में उन्होंने असासे जहर किए थे, वो बढ़ के 8 करोड़ से ज़्यादा हुए हैं। उनके टैक्स जो डिटेल्स मैंने निकलवाई हैं वो हैरान कुन है, आप शायद यकीन नहीं करेंगे। मैं चाहता हूँ कि मैं अगली स्टोरी में इस स्टोरी को टॉप स्टोरी के तौर पर ले आऊँ, ठीक है, ये जिनके सब लोगों के बढ़े हैं इतने एसेट्स, वो टैक्स कितना देते हैं, आप ये कह रहे हैं कि ये बात यहीं तक ख़त्म नहीं होती, इसमें बहुत से लोग हैं जिनके नाम अभी सामने आने हैं। बहुत बहुत शुक्रिया जाहिद गिश्कोरी साहब, आपने बड़ी मेहनत से ये रिपोर्ट मुरतब की है। साल आप बता रहे हैं कि आप इसके ऊपर काम कर रहे थे पिछले साल से, और आपने उन लोगों के असासे सामने लेकर आए हैं जो इमरान खान साहब की काबीना के अरकान रह चुके हैं, उनके बहुत करीब रह चुके हैं। तो खुर्रम शेरजमान साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, दानियाल चौधरी भी हमारे साथ मौजूद हैं। खुर्रम शेरजमान साहब, पहला कॉमेंट आप इसके ऊपर कीजिएगा कि आप लोग तो सादिको अमीन की बात करते हैं सर, आप तो कहते हैं कि साफ शफाफ होना चाहिए, हर चीज़ कौम के सामने होना चाहिए, चूँकि कौम के रिप्रेजेंटेटिव हैं। हमेशा से आपने अपोजिशन की जो जमातें थीं जो अब इस वक्त हुकूमत में हैं उनके ख़िलाफ़ आप लोग बात करते थे कि भाई ये मुल्की दौलत लूट कर बाहर ले गए, अब तो यहाँ पर चीज़ें खुल रही हैं, आपके अपने वज़रा जो बिल्कुल करीब हैं इमरान खान साहब के, उनके भी चीज़ें सामने आ रही हैं, 70 गुना इजाफा हो गया सर उनकी दौलत में, तो इसमें क्या हर्ज है? अगर वो कह रही हैं कि मैं FBR में मैंने डिक्लेयर किया हुआ है और अपनी ज़मीन फहमीदा मिर्ज़ा साहब आपको बता रही हैं कि उन्होंने बेच के अगर अपनी प्रॉपर्टी ख़रीदी है, मकसूद मुंशी की तरह तो नहीं वहाँ पे लंदन में प्रॉपर्टीज़ ख़रीदी हुई हैं 19 अरब रुपए के जो मकसूद मुंशी के अकाउंट से पैसे निकल रहे हैं, वो ज़्यादा ज़रूरी है उसके बारे में बात करना। ये तो वो सारे केसेस हैं जिनके बारे में बात कर रहा हूँ जो मौजूदा सिटिंग चीफ मिनिस्टर और सिटिंग प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ केसेस चल रहे हैं, वो ज़्यादा ज़रूरी है बात करना। ये तो चलें FIA इन्वेस्टिगेट करें, देखें सबसे पहले तो इन तमाम ऐसे सहाफ़ियों को जिनसे भी आपने बात कराई है उनको खराज तहसीन पेश करें कि वो इस तरह का में प्ले करते हैं, किन चीजों को हाईलाइट करते हैं। फिर जो इदारे आगे इन्वेस्टिगेशन करने वाले हैं उनकी जिम्मेदारी है कि वो साफ और शफाफ इन्वेस्टिगेशंस करें और आगे लेके जाएं, लेकिन ये नहीं कि एक मुल्क के अंदर एक वजीर आजम बैठा हुआ है जिसके मुंशी ने अब जो है ना 18-20 अरब रुपए अपने अकाउंट में रखे हुए हैं, उन पर केसेस चल रहे हैं। एक साहब हैं जिनके ऊपर 18 कत्ल के केस चल रहे हैं, कोई जो है ना यहाँ पे बाहर बैठी कहती है कि मेरी तो लंदन में या पाकिस्तान में कोई प्रॉपर्टी नहीं है। पनामा का केस हम भूल गए क्या? वो कैलबरी फॉन्ट, हम सारी चीजें भूल गई हैं। सो अवाम को रादर देन नई चीजों में उलझाने के बजाय जो इस वक्त मौजूदा लोग आपकी पूरी काबीना जो एक यू नो ग्रुप ऑफ कल्प्रिट्स बैठी हुई हैं जो कि गिल्टी हैं जिनके ऊपर केसेस चल रहे हैं उनके ऊपर बात कर लिया जाए। और उससे बढ़ के सबसे जरूरी बात इस वक्त मुल्क में बात करने की जरूरत यह है कि मुल्क इस वक्त तबाही के दिहाने के ऊपर खड़ा हुआ है। मुल्क में अंदर डॉलर जो है वो 195 रुपए का नहीं मिल रहा है। मुल्क के अंदर यहां पर हालात यह है कि बिजली गायब हो गई है। मुल्क में हालात यह है कि लोगों को यहां पर पीने का पानी नहीं मिल रहा है। अवाम के अंदर एक अफरा तफरी का माहौल जो है वो पैदा हुआ है। ये सारी चीजें हाईलाइट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। जिम्मेदार कौन है इसका? हुकूमत तो कह रही है ये सब आप ही की वजह से, आपकी वजह से है, आपने IMF के साथ डील की है उसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। मैं आपको बता दूं जी, आपको बड़े अच्छे अल्फाजों में आपको मैं गुजारिश के साथ बता दूं कि पाकिस्तान की हिस्ट्री के अंदर जितनी टैक्स कलेक्शन इमरान खान के दौर में हुई कभी भी नहीं हुई। इमरान खान के दौर के अंदर जितने एक्सपोर्ट्स हुए वो आज तक कभी भी नहीं हुए। इमरान खान के दौर में जितने इंपोर्ट्स कम हुए वो कभी भी नहीं हुए। जितनी टेक्सटाइल इंडस्ट्री ने जो है पैसा कमाया है, जितना स्टॉक एक्सचेंज ने कमाया, आप देखें ना कि इधर शहबाज शरीफ आए आपका स्टॉक एक्सचेंज नीचा की गिर गया, इधर शहबाज शरीफ आए यहाँ पे आपका डॉलर जो है 195 रुपए में मिल नहीं रहा है। आप मुझे बताएं ऐसी क्या क्यामत आ गई? हमने तो सोचा था कि US रिजीम चेंज है, शहबाज शरीफ को गोद में बिठाएंगे और मुल्क को संभालेगी यूनाइटेड स्टेट्स, लेकिन हालत क्या हुई? आप देखें कि सऊदी अरब ने इनकार कर दिया, आप देखें कि यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ने इनको हरी झंडी दिखा दी, आप ये देखें कि चाइना इनसे बात करने को तैयार नहीं है। IMF इनसे कहता है कि पहले बिजली के रेट बढ़ाओ, पहले पेट्रोल के रेट बढ़ाओ, पहले सब्सिडीज खत्म करो, उसके बाद हम आपकी बात सुनेंगे। चलें जी, ये पॉइंट आ गया आपका। आप ये कह रहे हैं कि 193 रुपए का डॉलर मिल नहीं रहा, 195 पे डॉलर पहुंचा दिया आपकी हुकूमत को इन्होंने, खत्म कर दिया। दानियाल चौधरी साहब, एक चीज तो आप इसके ऊपर कमेंट कीजिएगा कि लंदन में आपकी जी, मैं सही है, मैं आ रहा हूं, परेशान है
میں پوچھ رہتا ہوں نا, آپ نے جو بات کی, آپ نے جو سوالات اٹھائے, دانیال چودھری صاحب آپ کی قیادت لندن میں بیٹھی ہوئی ہے, فواد چودھری صاحب کہہ رہے ہیں, خرم شیر زمان صاحب کہہ رہے ہیں کہ وہ لوگ لندن میں بیٹھے ہوئے, ڈالر یہاں پہ اوپر جا رہا ہے, 195 روپے کا ڈالر نہیں مل رہا, شیخ رشید صاحب کہہ رہے ہیں کہ 200 کا ڈالر ہو جائے گا. ایک چیز تو یہ معیشت کے اوپر کامنٹ کریں کہ معیشت کا برا حال ہو گیا ہے آپ کی ایک ماہ کی حکومت میں, کیسے اس کو صحیح کریں گے, کتنا بڑا آپ کے لیے یہ چیلنج ہے, چونکہ عوام کو تو سروکار یہ ہے کہ ان کو روٹی کپڑا اور مکان مل رہے ہیں. پاکستان تحریک انصاف سے ہمیشہ سے 3.5 سال میں یہی بحث ہوتی رہی کہ آپ جو وعدے کر کر آئے تھے وہ آپ نے عوام کو پرووائڈ نہیں کیے, لیکن اب یہی چیزیں اگر آپ بھی ان کے ساتھ کریں گے تو پھر عوام کس کی طرف دیکھیں, ایک چیز. دوسرا اس کے اوپر بھی کامنٹ کر دیں, جو زاہد گشکوری صاحب نے انویسٹیگیشن کی ہے, رپورٹ سامنے آئی ہے, کیا انویسٹیگیٹ کریں گے آپ, تحقیقات کرائیں گے اس کے اوپر؟ مقصود منشی کے بارے میں بھی ان سے پوچھ لیں, اس کے بارے میں ضرور. بسم اللہ الرحمن الرحیم, دیکھیں جی, پہلی چیز جو ہے زاہد کشکوری صاحب کی جو سٹیٹمنٹ ہے کہ دیکھیں آپ جب زاہد کشکوری کہ اگر ہم کسی کو کاٹیں نا, پلیز لیٹ می فنش, بیچ میں نہ بولیں, بات کریں آپ, بات کریں کیا یار, بات کریں آپ, بات کریں. یہ دیکھیں زاہد گشکوری صاحب کی سٹیٹمنٹ جو ہے اس کے اوپر ہم بات کریں, دیکھیں آپ سی پی آئی دیکھتے ہیں کہ آپ کی کرپشن پرائس انڈیکس, یار فار گاڈ سیک یار, مطلب یہ دس کے ناٹ ہو از دس مین یار, یا تو یہ بولیں گے یا میں بولوں گا, یہ اپنی باری میں بولے, میں نے سنا, میری باری میں مجھے بولنے دیں. آپ خرم شیر زمان صاحب ان کو بات کریں گے, ویسی آواز تھوڑی سی آواز دیر سے جا رہی ہے ان کی طرف, آپ بولیں, آپ بولیں دانیال چوہی صاحب. نہیں, میرا یہ کہنا ہے کہ جو سوالات آپ نے کیے ہیں اچھا لگے گا اس کا جواب دیں گے. دیکھیں بتائیں کنزیومر آپ, یار یہ کیا ملک کے اندر پروگرام, وہ بات کرنے دینا ان کو, خرم شیر زمان صاحب بات کرنے دیں, آپ کی ساری بات ہم نے سنی, ان کی بھی تو سنتے ہیں, سنتے ہیں کیا جواب ہے ان کے, سنیں تو ان کی بات, لوگ رو رہے ہیں یہاں پہ, مر رہے ہیں, ان کے کیا جواب سننے ہیں ابھی, مطلب یہ تو برداشت ہے, یہ تو ان کو پتہ ہی نہیں ہے یار کہ بیٹھ کے پروگرام کیسے کرنے ہیں, یہ آپ کے ملک کو کیا سکھائیں گے, یہ ملک کا 4-7 سے انہوں نے ہاتھ کر کر دیا ہے, اداروں کو انہوں نے ڈیوائیڈ کر دیا, لوگوں کو انہوں نے ڈیوائیڈ کر دیا ہے, آپ ان کو اتنی تہذیب نہیں ہے کہ یار آپ ہر بندہ اپنے ٹائم پہ بولے, یہ اپنے ٹائم پہ بولے, ہم اپنے ٹائم پہ بولے, یہ کیا طریقہ ہے, ان کو یہی نہیں پتا تو یہ ملک چلائیں گے, انہوں نے 4 سال ملک کا بیڑا غرق کیا, ان کو یہی نہیں پتا چلا. وزیر اعظم کے کیسز کے بارے میں بتائیں, آپ ایف آئی اے کو منع کر دیا, آگے نہ کیسز, دس گائی ہیز ٹو سٹاپ فار می ٹو سپیک. خرم شیر زمان صاحب بات کرنے دیں ان کو, کس طرح پروگرام کریں گے یار, آپ کیا, آپ نے کیا جس کو پروگرام کرنے کا طریقہ نہیں ہے, جو بات کر رہے ہیں آپ, پلیز ان کو بات کرنے دیں یار, آپ دانیال چوہی صاحب اپنا موقف بتائیں آپ. دیکھیں جی, زاہد گشکوری صاحب کی جو سٹیٹمنٹ ہے, پہلی چیز ان کی دیکھیں, جو انہوں نے بولا, جو جس چیز کو آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں وہ سپورٹ ہوتی ہے کرپشن پرائس انڈیکس سے, جو 119 نمبر میں آپ کا ملک جو تھا کرپٹ ترین ممالک میں 119 نمبر پہ آتا تھا, انہوں نے 4 سال میں اس کو 123 نمبر پہ لے گئے 180 ملکوں میں, چار ہم نے جب لیا تھا تو ہم نے جب لیا تھا ہم ان کو 3 پوائنٹس نیچے لے کے آئے, ان کی حکومت میں کیا ہوا کہ 4 پوائنٹس اوپر گیا, وہ کس لیے اوپر گیا, کیونکہ یہی کرپشن کی جو بات کرتے ہیں انہوں نے بات کی, یہ جو بات ابھی کر رہے تھے بھائی, یہ انہوں نے بات کی کہ بھائی کہ انہوں نے بات کی کہ ٹیکس کلیکشن کی, 4000 ارب ہم چھوڑ گئے تھے ٹیکس کلیکشن, آج 4 سال پورے ہونے کے بعد بھی یہ اسی ٹیکس کلیکشن یہ اسے 500 ارب 500 کروڑ زیادہ کر لے تو یہ اس کو اچیومنٹ کہتے ہیں, آج ریئل ٹرمز میں آپ کی ٹیکس کلیکشن آدھی ہو گئی ہے, اس ملک کا کوئی ادارہ ان کے اوپر اعتماد نہیں کرتا, عوام اعتماد نہیں کرتی, اور عوام اعتماد کیسے کرتی ہے, عوام دکھاتی ہے اپنا اعتماد بزنس مین وہ ٹیکس پے کر کے, لوگوں نے ٹیکس پے کرنا چھوڑ دیا ہے, ان کے لوگوں نے ان کو پیسے دینے چھوڑ دیے ہیں, انہوں نے ڈیم کے نام پہ چندہ جمع کیا جو یہ کھا گئے, انہوں نے اور جو جتنے بھی اپنے چندے جمع کیے ان سے یہ اپنے فورن فنڈنگ میں چھپا رہے ہیں, یہ اتنی جھوٹی جماعت ہے جو 7 سال سے 7 ایئرز فورن فنڈنگ کے پیچھے چھپی ہوئی ہے, 7 سال منشی اور کون کون سے منشی نکلیں گے, یہ ہم ان کو دکھاتے ہیں, بار بار بتاتے ہیں, ان کو دکھاتے ہیں 7 سال سٹے آرڈر کے پیچھے, عمران خان صاحب کی میں ابھی ان کی بات ذرا کریں, جو آج وہ کنٹینر پہ کھڑے ہو کے اور بڑے نعرے لگا رہے تھے اور بڑی باتیں کر رہے تھے, وہ آج بتائیں کہ ایم کیو ایم کا انہوں نے ذکر کیا کہ ایم کیو ایم جو جنہوں نے پتا نہیں کراچی پولیس میں قتل کیے, 4 سال تک تو وہ ٹھیک تھی, آج وہ قاتل بن گئی, 4 سال پہلے تک چودھری جو تھے وہ قاتل تھے, آج وہ ٹھیک بن گئے, ان کا معیار یہ ہے, الیکشن کمیشن جب ان کے حق میں فیصلہ دے تو وہ ٹھیک ہے,
कोई कोई इदारा इनके हक में फैसला दो माह पहले तक तो आप ये दावे करते थे सर इनको घर भेजे हम मईशत ठीक कर देंगे, ये चोर हैं इन्होंने सारी मईशत को तबाह कर दिया, आप कैसे मईशत सही करेंगे सर, मुझे मईशत का जवाब दें, माजी की बातें छोड़ें। पाकिस्तान की टैक्स कलेक्शन नहीं करने दी, पाकिस्तान का दुश्मन वो है जिसने, यार कैन यू लेट दिस, यानी क्या बात बन रहा है, मैं आपसे सवाल कर रहा हूं, मैं आपसे सवाल कर रहा हूं, मैंने इस प्रोग्राम से, सॉरी आई एम नॉट यूज्ड टू इट, या आप मीडिएट करें या वो पूछेंगे, ये तो बीच में बार-बार नहीं सर बोलेंगे, ये डरा रहे हैं आपको, नहीं नहीं मैं आपसे सवाल कर रहा हूं, पाकिस्तान का दुश्मन वो है जिसने 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 टैक्स कलेक्शन को भी नहीं बात करने दे रही है, जो कश्मीर को तोड़ के खत्म हो गए और ये एक आवाज नहीं कर सके, ये पाकिस्तान के दुश्मन है सबसे ज्यादा टैक्स कलेक्शन हुई है, ये पाकिस्तान के दुश्मन वो है जिन्होंने 23 इन्होंने बात की थी, इन्होंने बात की थी 3,770 अरब की और हमारे टाइम पे टैक्स कलेक्शन 6,100 की, वो गवर्नर हाउसेस किधर हैं, वो गवर्नर हाउसेस जो गिराने थे प्राइम स्टार में यूनिवर्सिटी बनी थी किधर है, चार साल में इन्होंने क्या किया पाकिस्तान के लिए, चार साल में इन्होंने किस चीज पे डिलीवर किया, मुझे बताएं कि आपका पीआईए का ये कभी दानियाल चौहान साहब आपका पॉइंट आ गया, मुझे बताएं चार साल इन्होंने कुछ नहीं किया, लेकिन चार साल का मलबा अपने ऊपर क्यों ले लिया आपने, एक साल और हुकूमत करने देते इनको, मेरी बात तो सुने ना आप दानियाल चौहान साहब, मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ, फवाद बात कर रहा हूँ, मुझे ये बताएं कि चार साल का मलबा अपने ऊपर क्यों ले लिया आपने, सर मैं बात सुने के सर ये हमें पहली चीज इंपोर्टेड हुकूमत बनानी थी ना इन्होंने, इस वजह से जवाब देने और जवाब उनको आवाज देर तक पहुंच रही है जवाब देने, ओपोजिशन ने इसलिए भी जवाब ले लेंगे, मैं आपको जवाब देने का पूरा टाइम दूंगा, लेकिन पहले उनको बात कंप्लीट करने, पहुंच गए यार फिर बोलना शुरू, हम बात कंप्लीट करने, पाकिस्तान को ये वहां छोड़ के चले गए, ये पाकिस्तान को वहां छोड़ के चले गए जहां से कोई रिटर्न नहीं था, सर आपके इदारों की आपकी पाक फौज की तनख्वाह वहां से दी जा, आपके बैंकों से कर्जा लेके दी जा रही थी, आपकी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस की बोरोइंग करके तनख्वाह दी जा रही थी, आपका सर्कुलर डेट 2,000 अरब पे पहुंच गया था आपके पास चलाने के, अगर आज ऑपोजिशन अपनी तमाम चीजों को साइड पर रख के, ऑपोजिशन का एक हदफ है और वो हदफ एक है कि मईशी तौर पे पाकिस्तान को बेहतर बनाना, ये पाकिस्तान जो सिंस 1947 एक अंडर डेवलप्ड नेशन था उसको डेवलपिंग नेशन का स्टेटस हमारी हुकूमत ने दिया सर, हमारी हुकूमत में दिया और उसको वापस उसी स्टेटस में लेके आना, हमने पंजाब में ओवर द इयर्स डिलीवर किया, ऐसे लेकर आएंगे पाकिस्तान की हिस्ट्री में, आप ऐसे लेकर आएंगे कि लंदन में बैठे रहेंगे, कोई फैसले साजी आपसे हो नहीं रही है, आसिफ अली जरदारी साहब ने आपको फंसा दिया, इलेक्शन की तरफ आप जा नहीं सकते, उनसे मशवरा किए बगैर, ब्रेक लेनी है सर मुझे, ब्रेक लेते हैं नाज़रीन और ब्रेक के बाद दोबारा ज्वाइन करें प्रोग्राम में, एक बार फिर खुशामदीद, खुर्रम शेर जमान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, दानियाल चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं, आप दोनों से मेरी गुजारिश है कि अपनी अपनी टर्न के ऊपर बात कीजिएगा, खुर्रम शेर जमान साहब चूंकि दानियाल चौधरी तक आवाज़ थोड़ी देर से जा रही है तो उनको बात करने में थोड़ी सी दिक्कत होती है, आप मुझे ये बताएं जिस तरह ये बता रहे हैं कि आप लोगों ने बिल्कुल भी किसी किस्म की कोई मईशत को संभाला ही नहीं, तीन साल आप लोगों ने महंगाई की और IMF से आप लोगों ने डील अच्छी तरह से नहीं किया, मिफ्ता इस्माइल साहब भी आज ये कह रहे हैं कि आप ही की वजह से मुल्क में महंगाई बढ़ रही है, आप लोग जो डील करके गए थे IMF के साथ तो डॉलर तो हम रोक ही नहीं सकते, जिस तरह से आप लोगों ने नेगोशिएशंस अब हमें दोबारा से करनी पड़ रही हैं, तो आप लोगों का गंध है जो हमें समेटना पड़ रहा है, क्या इस्माइल की मिफ्ता इस्माइल की बातें सुनी थी आज आपने, आज से 6 महीने पहले किस तरह की कहानियां सुनाते थे आपको मालूम है कि मिफ्ता इस्माइल की इंडस्ट्री ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौर में कितना कमाए, अब मैं आपको बताता हूँ सुने आप, करंट अकाउंट डेफिसिट जो था जब इनका टाइम था तो 20 अरब डॉलर था, जब हमारा टाइम था आखिर के दिनों में हमने 1 अरब डॉलर के ऊपर उसको कम करके हम लेकर आए, एक्सपोर्ट जो थे वो इनके टाइम के ऊपर जो थे वो 20 अरब डॉलर थे और हमारे टाइम पे 31 अरब डॉलर थे, उसके बाद फॉरेन रेमिटेंस जो थी इनके टाइम पे जब ये गए 19 अरब डॉलर थी, हम फॉरेन रेमिटेंस को लेकर आए 31 अरब डॉलर के ऊपर, उसके अलावा फॉरेन रिजर्व्स इनके टाइम पे जो थे वो 9 अरब डॉलर थे, हम फॉरेन रिजर्व्स को लाकर खड़ा किया हमने 22 अरब डॉलर के ऊपर, टैक्स कलेक्शन इनके टाइम पे 3,770 अरब रुपए थी, हमने जो है आपकी टैक्स कलेक्शन को 6,100 रुपए के ऊपर लेकर आया, इकॉनमी जो टारगेट था ना 6,100 अरब रुपए थी हमारे टाइम पे, कंप्लीट करने थे हमारे टाइम पे मईशत आपकी इकॉनमी जो थी हमने 6,500 अरब रुपए के ऊपर छोड़ी है, अब आप मुझे बताएं कि क्या आप मुझे चैलेंज कर सकते हैं स्टेटमेंट के ऊपर जो मैंने आपको सारी डिटेल्स दी हैं, इन्होंने तो ये हमें पाकिस्तान को डिफॉल्ट के ऊपर छोड़ के गए थे, आज अगर इमरान खान होते, अगर ये मौजूदा हालात भी होते तो इमरान खान के पास वो ऐसे दोस्त ममालिक मौजूद थे जो इमरान खान के ऊपर भरोसा करते थे, आज सऊदी आपके साथ खड़ा होता, चाइना खड़ा होता, UAE आपके साथ खड़ा होता,
आपको तो छोड़ के सारे भाग गए। सर हुकूमत कह रही है, जरदारी साहब कह रहे हैं कि इलेक्शन अगर आज करवा भी लिए जाते हैं तो इमरान खान साहब जो चार साल में नहीं कर सके अब क्या कर लेंगे अगर इलेक्शन करवा भी लिए जाते हैं तो। ये जो मैंने आपको सारा डेटा बताया ये क्या मैं झूठ की बुनियाद के ऊपर आपको बता रहा हूँ? क्या ये डेटा सारा क्या गलत डेटा है? ये वो सारा रिजीम चेंज का आपने सर बयानिया बना दिया है, यूरोप से आप पंगा ले रहे हैं, अमेरिका से आप पंगा ले रहे हैं, तो फिर आप कैसे हुकूमत चलाएंगे? बात तो ये ना खुर्रम शेरजमान साहब, ट्रेड कैसे होगी इनके साथ अगर आपकी हुकूमत आ जाती है? पाकिस्तान की हिस्ट्री के अंदर जितने आपकी टेक्सटाइल वालों ने पैसा कमाया है, जितना आपका रिकॉर्ड स्टॉक एक्सचेंज ने पैसा कमाया है, जितना यहाँ पे प्रॉपर्टी डीलर्स ने पैसा कमाए, जितने यहाँ पे मोटरसाइकिल्स बिकी हैं, जितने रिक्शे बिके, जितना एग्रीकल्चर सेक्टर आपका कामयाब हुआ है, पाकिस्तान की हिस्ट्री में कभी ऐसा नहीं हुआ है। इमरान खान ने सिर्फ मईशत को बेहतर नहीं किया, इमरान खान ने आपके प्यारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए पूरी दुनिया में आवाज उठाई। इमरान खान ने जो है खत्म नबूवत के ऊपर बात की। इमरान खान ने 15 मार्च का दिन इस्लामोफोबिया के खिलाफ मुकर्रर कराया, ये इमरान खान था। आज सिर्फ पाकिस्तान, दुनिया में रहने वाले पाकिस्तानी नहीं जो मुसलमान है वो भी कहते हैं कि इमरान खान जो है वो हमारा लीडर है। इमरान खान वो शख्स है जिसके लिए आज यहाँ पे पूरे पाकिस्तान के अंदर जिस शहर में जलसा होता है लाखों लोग निकलते हैं। सही। ये तो घरों के अंदर बैठ के ईद की नमाज पढ़ रहे हैं, घर के अंदर बैठ के ईद की नमाज पढ़ रहे हैं, क्यों नहीं बाहर निकलते? चले जी पूछ लेते हैं ना भाई, क्यों पढ़ रहे हैं आप घर में बैठ के ईद की नमाज? दानियाल चौहान साहब जिस तरह गिनवा रहे हैं सारी चीजें, ऑब्वियसली फिर सवाल तो आपसे बनता है ना। एक तरफ मरियम नवाज साहिबा है वो ये कह रही हैं कि इमरान खान का गंद अपने सर पर मत लें, दूसरी जानब आप ही की जमात के कुछ लोग कहते हैं जी अभी इलेक्शन नहीं होने चाहिए, पहले रिफॉर्म्स होनी चाहिए, और फिर सबसे बड़ी बात जरदारी साहब ने तो कैटेगोरिकली ये कह दिया है जी नो इलेक्शन, हमारा गेम प्लान ही यही है कि पहले हम बाकायदा इसके ऊपर जो इस्लाहात हैं वो की जाएंगी और उसके बाद हम इलेक्शन में जाएंगे। तो जरदारी साहब को नाराज़ करके आप इलेक्शन में कैसे जा सकते हैं? दूसरी चीज़, शहबाज शरीफ साहब हर अहम फैसले से पहले लंदन जा रहे हैं, अगर इसी तरह से चलता रहा तो उनको तो कोई भी अहम फैसला करना होगा, वो हर वक्त क्या मियां नवाज शरीफ से मुशावरत करने के लिए, अहम फैसला करने के लिए पहले क्या लंदन जाएंगे? देखें जी, पहले इन्होंने कहा ना जितना इन्होंने काम किया वो जुमाइमा गोल्ड स्मिथ और सीता वाइट के थ्रू इन्होंने जो काम किया दैट वाज इनफ फॉर द कंट्री। इन्होंने पाकिस्तान की सबसे बड़ी दुश्मन, मैं आपको फिर बार बार ये कहता हूँ कि आप उठाए ना स्टेटिस्टिक्स कि आपके कौन सा फिगर की बात करते हैं। इन्होंने 6,000 अरब, इनको ये नहीं पता जहां से पढ़े हैं उनका 6,000 अरब टारगेट था भाई, 6,000 अरब इनका टारगेट था, उसको अचीव नहीं कर सके, ये अपने टारगेट से अचीव नहीं कर सके, ये क्या बातें कर रहे हैं? ये अपने 4,000 अरब इन्होंने पिछले साल कलेक्ट किया था और इस साल 500 अरब ज्यादा उन्होंने कलेक्ट कर लिया है। इन रियल टर्म्स में आप 2,000 अरब आप कलेक्ट कर रहे हैं इन रियल टर्म्स। आप बात करते हैं आज मुल्क की खजाने की, बात मैं करूं फॉरेन रेमिटेंस की, रिजर्व्स की, रिजर्व्स हमने छोड़ के गए थे भाई 19 बिलियन और जब मियां नवाज शरीफ गए थे तब 24 बिलियन, और आज फॉरेन रिजर्व की रियलिटी की बात करें 6 उनमें से चाइना के पड़े हुए हैं, 3 पड़े हुए सऊदी के पड़े हुए हैं, 6 और मुल्कों के पड़े हैं। इन रियल आपके पास 2 अरब $2 बिलियन फॉरेन रिजर्व पड़ा हुआ है, 3 अरब की खातिर ये IMF के लोन की खातिर ये पूरा मुल्क बेचा है, और ये बात करते हैं हमसे। आप जरा पूछे ना अपने कैमरामैन से, आप पूछे अपने वॉइस रिकॉर्डर से वाले बंदे से कि पिछले 4 साल में महंगाई के क्या हालात थे, क्या उनकी चीखें नहीं निकल गई कि आटा जो 100 चीनी जो 100 जो पिछले एक माह में ना दानियाल चौहान साहब आप मेरे साथ प्रोग्राम में आया करते थे, आपको याद दिला दूं आपके साथ प्रोग्राम होता था तो आप मुझे बाकायदा स्लिप दिखाया करते थे भाई कि यहाँ पर इतने रुपए किलो आटा मिल रहा है इस्लामाबाद में, आप मुझे स्लिप दिखाया करते थे दानियाल चौधरी। लेकिन पिछले 2 माह में जितनी महंगाई हुई है वो कहीं ज्यादा है भाई, उस महंगाई को कंट्रोल आपने करना है सर, पिछली चीजों का ना रोना रोए, आपने ही चीजों को ठीक करना है। हमें तो सर दिस इज ऑल द पॉलिसीज बॉस, ये रोते ही रहेंगे, सब पॉलिसीज हैं जिसको ये साइन करके आए हुए हैं इन्होंने, आपको रोना ही सुनना हो तो प्रिंसिपल चीफ ऑफ स्टाफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी तो यही काम कर रही थी ना, महीना भी पूरा नहीं हुआ, चेंज लेकर आए थे आपका सर। बात सुने ना आप मेरी बात तो पूरी सुने, बड़ी बड़ी बातें करते थे, पता नहीं आसमान पूरी नीचे ले जाएंगे, जमीन को ऊपर ले जाएंगे, 30 दिन में आप घर की सफेदी नहीं कर सकते, आप घर की सफेदी नहीं कर सकते भाई, आप करके दिखाना। हम इस 30 दिनों में मुल्क को सीधी सिमत में डाल रहे हैं, जो इन्होंने पाकिस्तान का भाई वो भी तो यही कहते थे कि 35 साल का 70 साल का कचरा साफ नहीं कर सकते, मौका दे देते ना दानियाल चौहान साहब, एक साल की बात की यार, एक साल और दे देते इनको, एक साल क्यों नहीं दिया आपने?
सारा गंदा उनके ऊपर पड़ता ना। चार साल मुझे अब मुश्किल हो रहा है आपको हुकूमत चलाना, मुश्किल हो रहा है। मुझे बताएं ना इन्होंने क्या काम किया, एक महीने में तबाही कर दी इन्होंने, एक महीने के अंदर क्या मुश्किल, मुझे बात बताएं, निकाल दी एक महीने में इन्होंने आवाम की इनकी। सर आप मुझे एक महीने में चीजें निकाल दी इन्होंने, 20 मिलियन लोग फेल बिफोर बिलो द पॉवर्टी, एक महीने के अंदर ये हाल के एक साल रह गए तो ये क्या होगा, 15% लोग आपकी अनएम्प्लॉयड है पाकिस्तान में, 5 मिलियन इन्होंने नौकरियां देने की बातें की थी, इन्होंने अपनी पॉलिसी से 5 मिलियन लोगों को बेरोजगार कर दिया, यानी एक दूसरे के ऊपर इल्जाम लगाने से कुछ नहीं होगा। आवाम को रिलीफ देने के लिए आप लोगों को कुछ करना होगा, बैठना होगा, मुजाकरात करने होंगे ताकि ये मुल्क आगे बढ़ सके। बहुत शुक्रिया नाज़रीन प्रोग्राम देखने के लिए, कल आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह ने के बाद।